मेरे पीछे इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो लता मंगेशकर चौक है, वही लता मंगेशकर चौक जहां आज दोपहर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आए, जब उनका ये दौरा हुआ तो उस दौरान वो इस ऐतिहासिक चौक पर रुके, कुछ देर इसकी खूबसूरती को निहारा और फिर उनका काफिला यहां से आगे बढ़ा। लेकिन आज दिन भर कैसे अयोध्या में जो उत्सव मनाया जा रहा है बीते कई दिनों से, कई महीनों से, उस उत्सव में प्रधानमंत्री के इस दौरे से चार चांद लग गए, ये हम अपने सहयोगियों से समझने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं अभिषेक मेरे साथ हैं, मनोज्ञा मेरे साथ हैं, आयुषी और मेरे इस तरफ संजय और साथ ही हमारे साथ ऋषि, ये पांचों रिपोर्टर और मैं भी, बल्कि आज हम सुबह से लगातार अयोध्या में उन तमाम जगहों पर मौजूद थे जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जहां से होकर निकलना था, या फिर जहां आज जहां से एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित प्रधानमंत्री ने किया। लेकिन आइए सबसे पहले आपको मैं अपने सहयोगियों की आंखों देखी बताती हूं, और संजय शुरुआत आप ही से करते हैं, बताइए हमारे दर्शकों को कि आज का दिन अयोध्या के लिए ऐतिहासिक क्यों है? प्रधानमंत्री का यहाँ पर आना और अयोध्या को कई सारी सौगात देना, इसलिए ये महत्वपूर्ण माना जा सकता है। जिस तरह आपने देखा कि एयरपोर्ट पर वो आए, एयरपोर्ट का लोकार्पण किया, फिर वो जो रेलवे स्टेशन था वहाँ पहुँचे, नया रेलवे स्टेशन दिया, कई सारे ट्रेनें शुरू की है, तो ये सारी की सारी जो है चीज़ें ये अयोध्या के वैभव को और चमकाने वाली हैं। अयोध्या का वैभव बढ़ा है, संजय से और भी बात करेंगे, लेकिन आयुषी आप मुझे बताइए, आप बड़ी कलरफुल तस्वीरें आज दिन भर हमारे दर्शकों को दिखा रही थी, ये रंग अयोध्या का आपको कैसा लगा? बहुत अलग, और एक झलकी से कहा जा सकता है शिरीन 22 तारीख से पहले कि 22 तारीख को भी कुछ ऐसा ही नजारा अयोध्या में देखने को मिलेगा। और बीते 15 दिनों से मैं यहाँ पर हूँ, हर रंग मैंने अयोध्या को देखा है, लेकिन जो रंग आज पूरे दिन भर हमने अयोध्या में देखा है, हर तस्वीर हमने जो देखी है वो मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। जो लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर बेसब्री से प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे, प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए वो इंतजार कर रहे थे, चाहे महिलाओं की बात करें, और आपने नोटिस किया होगा कि आज सर्दी ज्यादा थी, लेकिन उस सर्दी में भी लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर उन लाइनों में खड़े थे, प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे। उन्हें पता था कि प्रधानमंत्री के पास वो नहीं जा सकते, लेकिन हाथों में फूल मालाएं लेकर, हाथों में फूल लेकर वो स्वागत कर रहे थे, और जैसी एक झलक प्रधानमंत्री की मिली तो उनकी आंखों में वो खुशी साफ तौर पर देखी जा रही थी। क्योंकि जितनी बातें हमने अभी तक अयोध्या वासियों से की है, जितना विकास अयोध्या में हुआ है, जितने भी निर्माण कार्य अयोध्या में हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इस विकास और इस बदलती हुई अयोध्या का जो श्रेय है वो प्रधानमंत्री को देते हैं। और जब वो प्रधानमंत्री खुद उनकी आंखों के सामने आ रहे हैं, जब उनके शहर में आ रहे हैं, तो वो खुशी साफ तौर पर उनके चेहरों पर छलकती हुई नजर आई, वो चेहरा समझा जा सकता था। और मनोज्ञा आपने भी ऐसे कई चेहरों को आज पढ़ा, बताइए जरा अयोध्या में ये जो चेहरे थे खिले हुए, मुस्कान से भरे हुए, हाथों में फूलों की पत्तियां थी ताकि प्रधानमंत्री आए तो उन पर फेंका जाए, ऐसा क्यों, आज क्या था? एक हारे हुए खिलाड़ी को अगर ओलंपिक मेडल मिल जाए तो ठीक वैसी खुशी अयोध्या वासियों में है कि जब आपको ये विश्वास हो जाए कि कुछ नहीं होना है, और उस समय ये मंदिर बन जाए, और उस वो भावनाएं जब परिवार के लोग एक साथ आकर सड़क पर खड़े हों तो ये बहुत बड़ा संदेश होता है। एक पॉलिटिकल रैली होना जिसमें लोगों को, कार्यकर्ताओं को लाना और पूरे परिवार के साथ आना, फूल बरसाना, साथ में खड़े रहना, जयकारे करना, वो चाहे राम जी के हों या फिर प्रधानमंत्री के लिए हों। और एक मैं निजी तौर पर बहुत महत्वपूर्ण बात उनके बारे में ऑब्जर्व करती हूँ, आज उनकी माँ की पुण्यतिथि है। पिछले वर्ष जब सुबह सवेरे 30 तारीख को उनकी माँ का देहांत हुआ था हीराबेन का, तो वो सुबह उन्होंने अंत्येष्टि के बाद सारे दिन वर्चुअल कार्यक्रम किए थे, लेकिन एक वर्ष बाद कैसे धर्म और कर्म को साथ में लेकर चलना, ये देश में पहले प्रधानमंत्री के तौर पर कर रहे हैं, लेकिन अयोध्या आना, जो कि हमें लोगों ने बताया कि बहुत कम ऐसा हुआ है जब कोई प्रधानमंत्री अयोध्या आए, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बहुत ऐसे कम हैं जो अयोध्या आते थे, राजनीतिक तौर पर आप इसे देख सकते हैं, लेकिन धार्मिक तौर पर एक अनअपोलोजेटिक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर खड़े रहना बड़ी बात है। धर्म और कर्म को कैसे साधा जाता है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखा जा सकता है, क्योंकि कई बार ऐसी तस्वीरें हमने देखी। ABP News आपको रखे आगे।